सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा एक नए वीडियो में। तो आज हम पहुंच चुके हैं बसोली, जिसको दामिनी गोवा पुर्थू के नाम से भी आप लोग जानते हो। लास्ट नाइट हम यहाँ पे थे, मैं और अंकुश भाई अभी तक थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी हल्की सी, सुबह का 6:30-7 बजे का टाइम है अभी। और व्यू चेक कीजिए आप, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ठंड थी रात को। तो आज हमारा प्लान है यहाँ से आगे जाने का, आगे स्नो गिरी हुई है सरथल में, और यहाँ भी दोस्तों ठंड बहुत है, बाकी ठंड तो आगे भी बहुत होगी। तो वैसे हम पूरी प्रिपरेशन के साथ आए हैं, हमारे पास सारा सिस्टम है खाने पीने का रहने का। आप देख सकते हो सुबह सुबह सूर्य की किरणें, सूर्य देवता भी निकल रहे हैं हल्के हल्के। और बहुत दिन से सोच रहा था मैं शूट कर लें, तो आज भाई आपके ने कैमरा उठा ही लिया फिर से। तो घर के थोड़े हालात ऐसे थे, थोड़ा काम पड़ गया था घर का, तो उस वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा था YouTube को, बट मे बी अभी मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। तो आप लोगों का प्यार ऐसे ही चाहिए, जैसे आपने पहले भी प्यार बना के रखा है तो ऐसे ही प्यार बनाए रखें। तो दूर आप देख रहे हो, इस साइड भी मैं गया था, ये पंजाब वाली साइड है उसके पार, उधर भी बहुत अच्छी लोकेशन है छोटी छोटी। तो ये अपना J&K का है एरिया, जिसको पुर्थू दामिनी गोवा के नाम से जानते हैं। ये बसोली में पड़ती है, बसोली जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ जम्मू कश्मीर में पड़ता है। बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ भी। और दोस्तों सुबह सुबह हमने यहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम करना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हो कुकर मैंने यहाँ रख दिया है, और ये कुछ हम बर्तन लाए थे घर से छोटे मोटे जो हमारे काम आएंगे। अभी यहाँ प्याज काट रहा हूँ मैं, और सुबह सुबह बनाएंगे हम वेज बिरयानी। और वेज बिरयानी यहाँ फ्रेश होके नहा धो के यहाँ से ब्रेकफास्ट करके हम निकलेंगे आगे बनी की ओर, और बनी से जाएंगे सरथल। और दोस्तों सूर्य देव ने हल्के हल्के दर्शन दे दिए, आप देख पा रहे होंगे। और ये छोटे छोटे डॉग ये भी हमारे साथ घूमने को यहाँ पे आ गए हैं। तो दोस्तों अभी हमने खाना खुना बना लिया है, और खाना बना के कुकर रख दिया हमने गाड़ी में। अभी हम जाएंगे पहले झील में नहाने। दोस्तों नहा लिया अभी हमने, और यहाँ से अभी निकलेंगे ब्रेकफास्ट करके हम बनी की ओर। बनी यहाँ से आई थिंक 90 किलोमीटर है, फिर वहाँ से जाएंगे सरथल, और देखते हैं कितनी स्नो पड़ी है वहाँ पे। तो दोस्तों अभी मैं थोड़ा यहाँ मैकेनिक को अपनी गाड़ी दिखाऊंगा, क्योंकि उसके स्टीयरिंग ऑयल मुझे कम लग रहा है, और ब्रेक ऑयल भी थोड़ा कम लग रहा है। ब्रेक पैडल प्रेस कर रहा हूँ मुझे भी। तो यहीं से मनी से दिखा के मुझे आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके आगे कोई मैकेनिक नहीं मिलने वाला है, ना ही कोई वर्कशॉप और ना ही सिग्नल। यहाँ से 15 किलोमीटर आगे जाके हमारे फ़ोन के सिग्नल भी चले जाएंगे, तो इसलिए यहीं पर चेकअप करवाना अच्छा रहेगा। और यहाँ से हम कुछ हल्का फुल्का रात को बनाने के लिए सब्ज़ी कुछ लेंगे। भैया जी हमारी गाड़ी का थोड़ा चेकअप कर रहे हैं, देखते हैं क्या इसमें प्रॉब्लम आई है, क्यों ये बीच बीच में ब्रेक छोड़ रही है, कभी कभी हल्की हल्की ब्रेक छोड़ देती है। तो भैया जी क्या प्रॉब्लम है इसमें, तो आप बताएंगे हमें। इसमें ये पिछले ब्रेक थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, अच्छा अच्छा। यहाँ पर हमारी एंट्री होगी, और इसके आगे हम आगे जाने वाले हैं। कोई पता नहीं यहाँ कोई है भी है कि नहीं है, पर ये पुलिस वाले भैया आए हैं। तो
अभी यहाँ पे हमें एंट्री के लिए उतरना पड़ता है। भाई हो कोई भी भाई आता तो यहाँ पे एंट्री जरूर करवा के जाएं। और ये भाई साहब हैं, देखो भैया गाड़ी नंबर, हाँ JK08M ठीक है। और ये भैया ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया हमारे साथ, थैंक यू सर। यहाँ देखो रोड कैसा कंजेस्टेड रोड है, और साथ में यहाँ पे रिवर साथ में चल रही है, और सामने आप देख सकते हो ट्राउट फिश के लिए ये फार्म बनाए हुए हैं। तो पता नहीं ये डिपार्टमेंट वालों ने बनाया है कि किसी लोकल बंदे ने बनाए हैं। बहुत ही कंजेस्टेड रोड है दोस्तों यहाँ पे, जब कभी भी यहाँ पे आए तो आप आराम से सेफली गाड़ी चलाएं। इस लोकेशन पे पहुँच गए हैं लवांग। यहाँ से आगे आपको पता ही है, जो जो भाई यहाँ आए हुए हैं यहाँ से आगे आपको सिग्नल नहीं मिलेगा और नेटवर्क के इशू आ जाएंगे। यहाँ से आगे बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है, किसी भी सिम का नेटवर्क आपको यहाँ नहीं मिलेगा। तो ये पुरानी लोकेशन जो लवांग सेवन फॉल्स करके, यहाँ से ट्रैक जो हमने पिछली वीडियो में हमने देखा होगा, लास्ट टाइम हम जब आए थे तो हमने इस जगह का भी ट्रैक किया था। और अभी हम यहाँ रुके हैं, थोड़ा गाड़ी को भी सांस मिल जाए क्योंकि बेचारी काफ़ी देर से चल रही है। और अभी हम यहाँ से सरथल आई थिंक 5 किलोमीटर रहेगा, तो अभी सरथल में मिलते हैं आपको और दिखाते हैं सरथल का कोई मस्त वाला व्यू। और रोड की कंडीशन आप देख ही पा रहे होंगे कैसी कंडीशन है रोड की, बहुत खस्ता हालत है दोस्तों यहाँ पे। और फाइनली हम अभी सरथल पहुँचने वाले हैं। ये सामने सरथल का कुछ ऐसा व्यू है, और रोड देखो दोस्तों बहुत ही चौड़ा रोड कर दिया बीआरओ वालों को, मानना पड़ेगा भाई। और हल्का हल्का स्नोफॉल सुबह हुआ है, बट अभी बर्फ़ नहीं है यहाँ पे, सुबह देखने को मिल सकती है। सरथल पहुँच चुके हैं और पूरा गांव अभी सुनसान है, आप देख सकते हो पूरे घर भीर सब बंद है यहाँ पे। मेरे को लगता है यहाँ पे सारे शिफ्ट हो चुके हैं यहाँ के लोग लवांग नीचे। भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर है यहाँ सरथल में, यह हो महादेव। और कुछ ऐसा व्यू है यहाँ पे। और आज हम यहीं पे रुकने वाले हैं क्योंकि पहले देखेंगे यहाँ पे कोई भाई मिल जाए तो, क्योंकि मेरे 2-3 फ्रेंड हैं यहाँ पे, बट किसी यहाँ पे नेटवर्क के चलते यहाँ पे कोई है नहीं। तो शफाकत भाई मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात रहेगी। अभी शफाकत भाई के अड्डे पे चलते हैं, ये शफाकत भाई का घर है, देखते हैं भाई यहाँ मिलते हैं हमें कि नहीं मिलते हैं। मिलवाते हैं आपको भी। और यहाँ पे कुछ आंटी लोग खाना बना रहे हैं। पापा कहाँ है? यहीं पे है। भाभी नमस्ते, कैसे हो, ठीक ठाक हो? अपनी भाभी जी है जो यहाँ पे रहते हैं, और मैं पहले भी इनके पास काफ़ी टाइम आ चुका हूँ। और ये सरथल की गलियों का कुछ ऐसा नज़ारा है जैसे कि आप देख सकते हो, और मैक्सिमम दुकानें यहाँ पे बंद हो चुकी हैं। भाभी ये पूरी दुकानें बंद क्यों हैं? ये पूरी दुकानें बंद क्यों हैं? भाभी ने हमारे लिए आग जला दी है, और अभी हम यहाँ बैठ के आग सेकेंगे हल्की, क्योंकि हाथ पूरे सुन्न हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे ठंड बहुत है, और जल्दी शफाकत भाई से भी मिल आ चुके हैं हमारे
यहाँ के ओनर शिवाकत भाई, कैसे हो भैया? बस ठीक है सर। बढ़िया है, ठीक हो? बस ठीक सर। क्या दिक्कत है? आप मिल नहीं रहे हमें मार्केट में, बोलो चले गए सारे? अभी गए थे हम। अच्छा, और बाकी घर में सब बढ़िया? ठीक। किस वक्त आए आप? हम अभी जस्ट पहुँचे ही हैं, है ना? हाँ, सब बढ़िया, सब बढ़िया। इधर ही आज निकल जाए? हाँ, आज तो हम यहीं पे रहेंगे, फिर देखेंगे कल जाएंगे आगे छत्रकला में। ठीक है, बढ़िया बढ़िया।